नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जनरल साइंस आज हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है और जीके के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वेटेज जनरल साइंस की रह रही है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, SSC की, रेलवे की, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल रहने वाले हैं। दोस्तों, नीचे कमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको इसमें से कितने सवाल आते थे या फिर आपको कितने सवाल इसमें से पता थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो वराहमिहिर ने दोस्तों दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। शून्य का आविष्कार आप सभी को पता है दोस्तों, भास्कराचार्य आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद प्राचीन रस विद्या का जनक किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों भौतिकी का जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों रति किस राशि को मापन करने वाला यंत्र है? तो रति दोस्तों द्रव्यमान को मापता है, द्रव्यमान को। उसके बाद दोस्तों भारत में मैट्रिक प्रणाली का आरंभ 1956 में हुआ था। भारत में मैट्रिक प्रणाली का आविष्कार 1956 में हुआ था प्रारंभ। उसके बाद दोस्तों शिलालेखों के अध्ययन, जो शिलालेख होते हैं दोस्तों उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्रेफी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? होरोलॉजी। उसके बाद दोस्तों नियंत्रण का विज्ञान कहलाता है साइबरनेटिक्स को दोस्तों नियंत्रण का विज्ञान कहते हैं। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। प्रकाश के वेग यानी वेलोसिटी को किसने मापा दोस्तों? रोमर ने। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद दोस्तों वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादन दोस्तों गैलीलियो व फ्रांसिसी बेकन ने किया था। रासायनिक परिवर्तन पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया दोस्तों? कणाद ने। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? लेवोसिए ने। उसके बाद प्रकाश क्या है आप सभी को पता है दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा है, अ टाइप ऑफ एनर्जी। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मांड, जो हमारे यूनिवर्स है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। आधुनिक आइंस्टाइन के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? स्टीफन विलियम। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी दोस्तों? आग का आविष्कार विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज थी। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी खोज क्या थी दोस्तों? तो इनकी सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। उसके बाद भारत में दशमलव प्रणाली का आरंभ कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1957 में। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1957 में। और भारत में दोस्तों यहाँ पर जो मैट्रिक प्रणाली है वो 1956 में शुरू हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार आप सभी को पता है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उसके बाद दोस्तों इन्हीं की याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आर्क लैंप का आविष्कार दोस्तों डेवी ने किया था, आर्क लैंप। उसके बाद दोस्तों वातानुकूलक यानी जिसे हम एयर कंडीशन कहते हैं, इसका आविष्कार डब्ल्यू हैवीलैंड कैरियर ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला है बॉल पेन का आविष्कार आप सभी को पता है दोस्तों, सी बोरो ने किया था बॉल पेन का आविष्कार। साइकिल का आविष्कार दोस्तों मैकमिलन ने किया था। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। वायुयान का आविष्कार दोस्तों राइट बंधुओं ने किया था। उसके बाद कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था। उसके बाद टेप रिकॉर्डर के टेप पर जो लेप होता है दोस्तों वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का जो लेप होता है दोस्तों उसके टेप रिकॉर्डर के टेप पर। उसके बाद दोस्तों दूध का अपेक्ष घनत्व मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर एक डिवाइस है जो दूध की डेंसिटी को मापती है। भाफ के इंजन का आविष्कार दोस्तों जेम्स वॉट स्वीडन के थे, इन्होंने किया था। विद्युत बल्ब की खोज दोस्तों थॉमस एडिसन USA के रहने वाले थे, इन्होंने की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों वाटरमैन ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों GL Baird ने किया था। उसके बाद फाउंटेन पेन दोस्तों आप सभी को पता है कि कोशकत्व यानी जो कैपिलरिटी होती है उसके सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा गैस के इंजन की खोज डेमलर जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने की थी। डीजल इंजन की खोज दोस्तों रुडोल्फ डीजल ने की थी। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी लैंप की खोज डेवी ने की थी। लैंप अगर आए तो डेवी ने जो है इसकी खोज की थी। टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने की थी। उसके बाद दोस्तों जो रडार होती है
उसका आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने, रॉबर्ट वाटसन वाट ने। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन थे सामान्य विज्ञान के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मैं आपको रोजाना जो है वीडियोज प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। दोस्तों आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जनरल साइंस की वेटेज काफी ज्यादा रह रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार रोजाना मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं नहीं लेकर आऊं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ए टू जेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।